Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope ke you all are doing well. So today we are going to learn negative space lotus filling. तो इसमें मैं आपको negative space में जो lotus वाली filling होती है, मतलब ये फूल वाली filling होती है, उसमें कौन कौन से elements use होते हैं हम उनकी practice करेंगे, फिर इनको लेके हम filling के जो patterns होते हैं वो complete as a bunch की shape में बनाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द लोटस फ्लावर जो कि बहुत प्रोमिनेंट होता है. उसके बाद कुछ लीव्स होते हैं सेकंड नंबर पे, इस तरह बनते हैं. फिर कुछ बंच ऑफ लीफलेट्स होते हैं, सर्कल्स होते हैं, और इस तरह की कलियां सी बनती हैं, कलियां या बर्ड्स की तरह की बनती हैं. तो जब आप एक दफ़ा इसको सीधा बना के प्रैक्टिस करेंगे तो एक दफ़ा उल्टा बनाकर भी प्रैक्टिस कीजिएगा. अब मैं आपको ये जो दो मैंने आपको स्पाइरल टाइप कलीज बनाकर बताई हैं, इसके बाद मैं आप लोगों को एक और शेप की मज़ीद बताऊंगी. ये इस तरीके से आप फुल ब्लूम लोटस भी बना सकते हैं डंडी के साथ. अब मैं आपको लीफलेट्स की मदद से लीफ वाइन बनाना बताऊंगी. आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके बना सकते हैं या फ्री स्टाइलिंग भी कर सकते हैं. इसके बाद मैं आप लोगों को लोटस की कली बनाना बताऊंगी डंडी समेत, इस तरीके से बनती है. इफ़ यू हैव मेड इट दिस फार इन द वीडियो, प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ लाइक थम्स अप. सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर न्यू एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू वोंट मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम माय चैनल. अब हमने बॉक्स बनाया है जिसके अंदर हमने जितने भी एलिमेंट्स अब तक सीखे हैं हम उनकी मदद से पूरे बॉक्स को फिल करेंगे. ये डिफरेंट बंच की स्टाइल में लगाए जाते हैं डिज़ाइंस में या एज अ बैंड शेप में यूज़ होते हैं. इस तरीके से आप जितने भी हमने अब तक एलिमेंट्स को इंडिविजुअली बना के प्रैक्टिस की थी, अब आप उनको बंच की शक्ल में मजमून तौर पर बनाएंगे. जैसे मैंने ऊपर एक सर्कल बनाया, स्पाइरल बनाया, लीव्स का बंच बनाया, नीचे मैंने एक फुल ब्लूम लोटस बनाया और उसके साथ मैंने उसकी एक कली बनाई है. अब मैं यहाँ पे दोबारा एक स्पाइरल बनाऊंगी और उसके ऊपर कुछ पत्ते बनाऊंगी. फिर उन पत्तों में इस तरह लकीर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, शेडिंग करना चाहे तो कर सकते हैं. अब मैं यहाँ पे डंडी वाला लोटस बना रही हूँ और फिर उसके मैं लीव्स बनाऊंगी. आप चाहें तो जिस तरह मैंने लोटस बनाया है कि उसके बीच में जो है क्या कहते हैं लाइन लगती है, वैसे भी बना सकते हैं या आपकी मर्जी जिस तरीके से चाहे बना सकते हैं. बीच बीच में आप इस तरीके से ग्रास की जिस तरह लीव्स होते हैं वो भी दे सकते हैं. बस इस तरीके से आप एलिमेंट्स जो भी हमने सीखे हैं वो बना बना कर इस पूरे बॉक्स को आप फिल कर देंगे. डोंट वरी, रफ बन रहा है तो रफ भी बना सकते हैं, क्योंकि बाद में जो भी एम्प्टी स्पेसेस हैं उनको हम फिल कर देंगे तो कोई भी चीज आपकी जो मिस्टेक्स होंगी वो एज सच पता नहीं चलेंगी. सो डोंट वरी अबाउट इट. और इसके साथ मैं बता दी जा रहा हूँ ये जो एम्प्टी स्पेसेस की फिलिंग करते हैं हम, यही एक्चुअल नेगेटिव स्पेस कहलाती है. और आप बनाने के बाद चाहे तो इन एलिमेंट्स के अंदर शेडिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं. और इस तरीके से हमारा बॉक्स हो जाता है कम्प्लीट. अब एम्प्टी स्पेसेस को मैं फिल कर दूँगी. इस तरीके से आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करें कि आप लोग बजट क्या सीखना चाहते हैं और इसकी प्रैक्टिस करके ज़रूर दिखाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी. और ये देखिए इस तरीके से हमने इसकी फिलिंग कर लेनी है. शेडिंग जहाँ ज़रूरत लगेगी वहाँ हम शेडिंग करेंगे. और ये है इसकी फाइनल लुक. आप इसको जितने डिफरेंट स्टाइल से बनाना चाहें बना सकते हैं. इफ यू मेड इट दिस फार इन द वीडियो, प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ लाइक थम्स अप. सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल सो यू वोंट मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.